की गवाही मैं देता हूं। हम सब हैदराबाद देते हैं, हमारा सदर दयानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लो। वो तो उनकी हिकमत है कि अकबर ओवैसी खामोश है, नहीं तो खुदा की कसम क्या कर सकता हूं ये दुनिया जानती है। और मजलिस क्या कर सकती है ये सब जानते हैं, यहां बैठे लोग क्या कर सकते हैं ये भी तुमको बता देंगे वक्त आने पर। खबरदार खबरदार, हम ईमानदारी के साथ दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारी मुसलसिल कामयाबी इस बात की गवाह है कि अल्लाह हमसे नाराज है। तुम्हारी मुसलसिल नाकामी इस बात की गवाही है कि अल्लाह तुमसे राजी नहीं। तुम्हारी हसरत, तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, स्टेज पे बैठे वाले रहे या ना रहे, ये दारुसलाम रोजे खयामत तक आबाद रहेगा। मजलिस रोजे खयामत तक कामयाब होती रहेगी, नहीं रुकने वाले। अगर ये रुकेंगे तो ये चालू हो जाएगा, अगर मैं रुका हूं तो ये चालू हो जाएंगे। बोलते ना वो एक्स्ट्रा चार्ज, हां वो चार्ज अभी है बाकी, जब हुक्म होगा तो फिर ये सिपाही भी निकल पड़ेगा, और जब निकल पड़ेगा तो क्या होगा ये सब जानते हैं। हम सही वक्त पे सही फैसला करने वालों में से हैं। हम अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त पे लड़ते हैं। हम तुम्हारी पसंद के मुकाम पे या तुम्हारे वक्त पे नहीं लड़ेंगे। हम हैं तैयार, लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपहसालार के हुक्म के इंतजार में है। इंशाल्लाह मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी फतेह करेगी, गुजरात फतेह करेगी, मध्य प्रदेश फतेह करेगी, राजस्थान फतेह करेगी। आज नहीं करी तो कल करेगी। मजलिस आगे बढ़ रही है, बढ़ते रहेगी। नकीबे मिल्लत आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी हिम्मत आपके साथ है, हमारा जज्बा आपके साथ है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।